Everyone, we have with us Mr. Rahul Chahar. I would request you to ask the questions in Hindi. You will be getting all your answers in Hindi. Who would want to go first? Yes, Subodh Mayura, you can go ahead. Yeah, congratulations, Rahul. Thank you. Yeah, the way जैसा आपने बॉलिंग किया और कुणाल ने बॉलिंग किया, आपको लगता है कि चेन्नई के इस विकेट पे मुंबई इंडियंस नीड एडिशनल स्पिनर्स, क्योंकि आपके टीम में दो अच्छे स्पिनर्स हैं जो अभी बेंच पे बैठे हैं। ऑब्वियसली दोनों ने अच्छी बॉलिंग की, उनका भी काफ़ी अच्छा स्पेल था आज का। उन्होंने रन काफ़ी रोके, 10-12-14 ही रन दिए होंगे शायद। एंड लास्ट मैच में विकेट ऐसा नहीं था, बट आज थोड़ा हेल्प मिल रहा था, तो ऑब्वियसली अगर ऐसा ही विकेट रहा तो हम दोनों का बहुत मेन रोल रहेगा। क्रिक व्यू मीडिया, यू कैन गो अहेड। या हाय राहुल, बहुत अच्छी बॉलिंग करी आपने। कौन सा विकेट आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया आज? आई थिंक सबसे ज़्यादा इन्जॉय मैंने राहुल त्रिपाठी का विकेट किया, बिकॉज वो बॉल बहुत अच्छा टर्न हुआ था। जैसे मैं डालता हूँ, जैसे मेरे को चाहिए एक लेग स्पिनर का जो एक आइडिया होता है कि बॉल ऐसे टर्न हो, तो वैसा ही बॉल था। रुद्रन भट्टाचार्य, यू कैन गो अहेड। हाय राहुल, सुनाई दे रहा है? हाँ जी राहुल, ये एक बहुत बड़ा मैच था आपके लिए। मतलब आपने अभी तक, मतलब वेरी रिसेंटली आपने स्टार्ट किया इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद जब वो आप आईपीएल खेलते हो, तब आपका माइंडसेट कितना चेंज आता है? और आप जब इतने बड़े प्लेयर्स को बॉलिंग डालते हो, वॉयन मॉर्गन हो या आंद्रे रसेल हो, क्या चलता है माइंडसेट में और आज क्या चल रहा था? आई थिंक आज ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा था, बिकॉज अभी इंडियन टीम में मैं इतने बड़े बड़े प्लेयरों को बॉल डाल रहा था जब नेट्स में, तो एक प्रेशर कम हो जाता है जब आप इतने बड़े 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 प्लेयरों को बॉल डालते हो कंटिन्यूसली। और मैं एमआई में, मेरा चौथा साल है जब मैं नेट्स में बॉलिंग करता हूँ, पोलार्ड हार्दिक जो भी वर्ल्ड के बेस्ट हिटर्स माने जाते हैं, तो जब मैच में वो सिचुएशन आती है तो वो प्रेशर फील नहीं होता। संदीप सरकार, गो अहेड। यार राहुल, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू राहुल। आज आपके पास, पहले ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस का स्कोर उतना ज़्यादा नहीं है, तो जब कैप्टन ने आपको बॉल दी तो रोहित शर्मा ने क्या क्या कहे थे आप? उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो हमेशा मुझे एक ही बात बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ डाल, तू बहुत अच्छा बॉल रहा है। मैं जब तेरी बॉलिंग पे बैटिंग करता हूँ तो कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आती इनको क्या आएगी, जस्ट फोकस रहे और अच्छी लेंथ पर डाल और टर्न कराने की कोशिश कर। और ये चीज़ मुझे पता था कि यहाँ पे अगर कोई गेम चेंज कर सकता तो वो स्पिनर ही है, तो वो कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ। फाइनल टू शमिक दा, यू कैन गो अहेड। राहुल, ये आज का ये विक्ट्री में रोहित का कैप्टनसी कितना इम्पोर्टेंट था? मतलब जब आंद्रे रसेल बैटिंग करने आया, एक स्लीप और सिली पॉइंट लगाया गया, डू यू थिंक दैट वाज द मोमेंट कि साइकोलॉजिकल अपर हैंड मुंबई के तरफ आ गया था? या ऑब्वियसली जब मैं भी बॉलिंग कर रहा था, जब राहुल त्रिपाठी बैटिंग पे आया था, तब भी हमने स्लिप ली हुई थी, दो कवर्स लिए हुए थे, फिर इयान मॉर्गन जब आए थे तो एक लेग स्लिप था, एक स्लिप था, तो वो एक मेंटली पता लगता है कि हम अटैकिंग ट्राई कर रहे हैं, विकेट लेने का ट्राई कर रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं हम विकेट लेने के लिए। फाइनल वन अनुज मिश्रा। राहुल, आपने तो 4 विकेट ले लिए थे, बट उसके बाद भी तुम केकेआर मैच में थी, आपको लगा था कि इसके, मतलब इसके बावजूद जब उनको 28 ओवर में 31 कुछ रन चाहिए थे, फिर भी वो हार जाएंगे? नहीं, ऑब्वियसली काफ़ी क्लोज मैच रहा, और जैसे लास्ट सीज़न बुमराह एंड बोल्टी ने जैसी बॉलिंग की थी उसको देख के काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि वो लोग मैच टर्न कर सकते हैं कहीं से भी। ऑलराइट, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस एरिया।